हाय गाइस, मेरा नाम तनाव से देख रहा आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों, आज का ये क्रिएटर स्टूडियो अपडेट वाला वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है। अगर कोई भी गलती से ये वीडियो को स्किप करते हो तो आगे चल के आप लोगों के द्वारा बहुत सारे गलती भी हो सकता है, बहुत सारे मिस्टेक भी हो सकते हैं और क्रिएटर स्टूडियो को समझना आगे चल के बहुत बहुत दिक्कत का बात होने वाला है। तो इस वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक रिलीज नोट फेसबुक का ओपन करके रखा हूँ और ये रिलीज नोट को समझना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक क्रिएटर। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिलीज नोट जो है फेसबुक ने रिलीज किया था 1 सितंबर को, मगर ये रिलीज नोट के साथ हर किसी को अपडेट नहीं मिला। इवन अभी तक हर किसी का क्रिएटर स्टूडियो पे वो सारे अपडेट नहीं आया है जिसको लेके मैं आज बात करूंगा। मगर ये सारे स्टेप, ये सारे पॉइंट अगर आज आपने मिस कर दिया तो कल को आपको एक नया क्रिएटर स्टूडियो देखने के लिए मिलेगा जो कि आपके सर के ऊपर से जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए फिर से दोहराऊंगा, इस वीडियो को एटलीस्ट आप लोग एंड तक जरूर देख ले। दोस्तों, यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, द कंटेंट लाइब्रेरी टैब, यानी कि यहाँ पे जो अभी कंटेंट लाइब्रेरी देख रहे हो जो कि हो सकते हैं आपके केस पे ऊपर है होम के नीचे, मगर यहाँ पे ये अपडेटेड वर्जन है इसलिए कंटेंट लाइब्रेरी नीचे शो कर रहा है। ये कंटेंट लाइब्रेरी टैब कुछ ही दिनों में नहीं रहेगा क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, वेनिश होने वाला। ये कंटेंट लाइब्रेरी टैब जो है बिल्कुल चला जाएगा क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। और आपको पता है ये कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे ऑप्शन रहा करता था पहले, अब नहीं रहेगा, वो सारे ऑप्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गोइंग अवे सून, इसका मतलब है जाने वाला, टाटा बाय बाय हो जाएगा। इट्स कंटेंट विल बी मूविंग टू न्यू टैब, इसका मतलब है ये कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर जितने भी पॉइंट्स, जितने भी मेनूज थे वो दूसरे कोई पॉइंट के अंदर घुस जाएगा, जो कि मैं इस वीडियो पे अभी एक्सप्लेन करने वाला। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड पॉइंट, क्लिप्स वीडियो यू कैन क्रॉस पोस्ट एंड साउंड कलेक्शन, ये जो पॉइंट्स है कैन नाउ बी फाउंड इन फाइल मैनेजमेंट टैब। जो फाइल मैनेजमेंट टैब है, नया टैब आया है जो कि हो सकता है आपके केस पे आपके क्रिएटर स्टूडियो पे नहीं हो, मगर ये अभी अपडेटेड है तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल मैनेजमेंट टैब आपको दिखने के लिए मिल रहा है। इसके अंदर ये सारे पॉइंट घुसने वाले है, ये सारे पॉइंट यहाँ पे जितने भी फीचर पॉइंट आप कह लो ये सारे घुसने वाले हैं फाइल मैनेजमेंट टैब के अंदर, जो कि आगे चल के आपको भी दिखने के लिए मिलेगा। ये क्लिप्स वीडियो ये सारे कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर आपको नहीं मिले आगे चल, और ये वाला लुक जिसको मिल चुका है उन लोगों को ऑलरेडी देखने के लिए मिल जाएगा। खाली फाइल मैनेजमेंट टूल्स ये सारे न्यू ऑप्शन रहने के बावजूद भी, प्री पब्लिश पब्लिश रहने के बावजूद भी अभी तक कंटेंट लाइब्रेरी को नीचे रखा गया है, जो कि कुछ दिनों के बाद पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो द गेमिंग डैशबोर्ड, जो गेमिंग डैशबोर्ड होता है क्रिएटिव टूल्स के अंदर, वो डैशबोर्ड हैज बीन रीनेम, वो रीनेम्ड हो जाएगा और नेम होगा स्ट्रीमर होम, स्ट्रीमर होम के नाम से रीनेम्ड हो जाएगा फेसबुक गेमिंग डैशबोर्ड। तो आगे चल के अगर आपके क्रिएटर स्टूडियो के अंदर स्ट्रीमर होम दिखने के लिए मिले और गेमिंग डैशबोर्ड ना मिले तो घबराना मत, गेमिंग बंद नहीं हो, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है टैब। और ये जो स्ट्रीमिंग होम टैब है, यू कैन नाउ बी प्रोगर ऑन एज व्यू ऑन ए टॉप राइट कॉर्नर ऑफ होम टैब, ये आपका होम टैब अगर यहाँ है तो राइट टॉप कॉर्नर यानी कि इस तरफ आपको दिखने के लिए मिल जाएगा ये स्ट्रीमिंग होम, जिससे आप नेविगेट कर पाओगे क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आसानी से। चीजों को समझ लो, बहुत काम की है, आगे चल के आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अगला जो पॉइंट है प्लेलिस्ट सीरीज एंड पोस्ट टेस्टिंग, ये जो तीन पॉइंट है, ये जो तीन मेनू है, ये सारे घुस जाएगा टूल टैब के अंदर, जो कि अभी नए क्रिएटर स्टूडियो जिस जिस को मिला है बीटा टेस्टिंग में उनको दिखने के लिए मिल रहा होगा। ये टूल जो पॉइंट है न्यू घुसा है, कुछ दिन पहले मैंने अपडेट दिया था, इसके अंदर आपको पोस्ट टेस्टिंग प्लेलिस्ट एंड सीरीज मिल जाएगा जो कि पहले कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर ही हुआ करता था। इवन आज के केस पे जिसको ये सारे फीचर नहीं मिला है उनके क्रिएटर स्टूडियो पे अभी भी कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर ही, मगर उनको भी जब ये पॉइंट ये तरीके से रिलीज होगा कंटेंट लाइब्रेरी नहीं मिलेगा और उनको ये सारे ऑप्शन दिखने के लिए मिलेगा। और फिर घबरा मत जाइए, चेंजेस सिर्फ हो रहा है, बाकी कुछ जा नहीं रहा। दोस्तों, लास्ट में बात करूंगा, द पोस्ट टाइमलाइन हैज बीन मूव टू पब्लिश टैब ऑल सेक्शन, इसका मतलब है पोस्ट टाइमलाइन रहता है वो भी मूव हो जाएगा, मगर वो मूव होगा पब्लिश टैब के अंदर जो ऑल ऑप्शन रहेगा उसके अंदर। अब मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ। अगर दोस्तों अभी भी जिनको ये फीचर मिला हुआ है आप लोग संतुष्ट नहीं हो इस क्रिएटर स्टूडियो के लुक्स, आप लोग यहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हो फेसबुक को, ये टाइम है आपके पास, इसको क्लिक करके आप फीडबैक यहाँ पे भर सकते हो, जो भी आपको बताना है वो बता के स्क्रीनशॉट के साथ डाल सकते हो, क्योंकि एक बार वो परमानेंटली रिलीज कर देगा फेसबुक
फेसबुक, फिर आप फीडबैक नहीं भर पाओ। जिन लोगों को अभी ये टेस्टिंग फेज में, बीटा टेस्टिंग में ये लुक मिल चुका है क्रिएटर स्टूडियो का, वो लोग जरूर अपना बहुमूल्य फीडबैक जरूर फीडबैक के अंदर दे, ताकि कल को ये ना कह पाओ जब ये प्रॉपरली रिलीज हो जाए ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्लोज करूंगा और थोड़ा सा आप लोगों को बारीकी से समझाऊं। जैसे ये कंटेंट लाइब्रेरी फेसबुक ने अपडेट पे ही बोल दिया है कि ये हट जाएगा, नहीं रहेगा, जो कि किसी किसी केस पे नोटिफिकेशन के नीचे भी दिखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि पुराने क्रिएटर स्टूडियो के लुक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो दोस्तों देख सकते हो पोस्ट हैज बीन मूव, ऑलरेडी मूव हो चुका है। तो यहाँ पे बोल भी दिया है वी आर सॉर्टेड योर पोस्ट स्टेटस ड्राफ्ट वर्सेस पब्लिश, और ये जो कंटेंट कहाँ कहाँ पे मिलेगा वो भी बोल दिया। तो अभी ये कंटेंट लाइब्रेरी का जो कंटेंट पब्लिश होते हैं वो पी पब्लिश एंड पब्लिश पे डिवाइड कर दिया गया। तो पब्लिश में अगर क्लिक करूंगा तो आपको आपके सारे कंटेंट नीचे देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपने अपलोड किए। और उसके साथ दोस्तों क्रिएटर स्टूडियो के अंदर एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है, वो है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो हाईलाइट किया हुआ नोटिफिकेशन। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग स्टोरी हाईलाइट क्लिप्स। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल होने वाला है अगर आप लोग इंप्लीमेंट करते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, वी इंट्रोड्यूसिंग द एबिलिटी टू शेयर ए वीडियो हाईलाइट क्लिप्स टू योर स्टोरी। इसका मतलब है आपके पेज के स्टोरी सेक्शन है वहां पे आप आपके जो वीडियो है उसका जो हाईलाइटेड पार्ट रहेगा उसको एडिट करके क्लिप्स के जैसा लेके आप स्टोरी पे डाल सकते हो, और उस स्टोरी पे कोई क्लिक करके उस क्लिप्स को देख के आएगा तो वो उस वीडियो पे लैंड होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा वाला बात है, वीडियो पे वॉच टाइम बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है व्हिच कुड बी ड्राइव व्यू ऑफ ए प्राइमरी वीडियो, जो मैंने बोला वही लिखा है इंग्लिश में। तो होप आपका जो डाउट था वो क्लियर मैं कर चुका हूँ, जो आपको समझना था वो आप समझ चुके होंगे। तो ये क्लिप्स वाला पार्ट भी आप इंप्लीमेंट जरूर करना, जो कि एक न्यू फीचर अभी आया। अब दोस्तों इसके साथ मैं अगर फाइल मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो फाइल योर क्लिप्स हियर। यहाँ पे जो योर एसेट वाला पार्ट है इसी के अंदर क्लिप्स आने वाला, जो कि अभी तो फिलहाल कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर आपको पता है क्लिप्स है मगर नहीं रहे, क्योंकि कंटेंट लाइब्रेरी ऑप्शन हट जाए। ये क्लिप्स फाइल मैनेजमेंट के अंदर योर एसेट सेक्शन के अंदर घुसने वाला है। अब डन करूंगा तो आप देख सकते हो क्लिप बाय स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम से आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग से क्लिप्स लेते हो तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ऑल क्लिप्स यहाँ पे होगा और हाईलाइट वीडियो जो है उसका क्लिप्स यहाँ पे होगा। तो ये अभी जो है इंटरफेस चेंज हो रहा है कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर, जो क्लिप्स पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा नीचे जाके। ये जो क्लिप्स वाला ऑप्शन है ये आप ज्यादा चंद ही दिनों की मेंबर है वो हटने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए टूल्स, तो मैंने दिखा चुका हूँ, फाइल मैनेजमेंट आप लोग देख चुके हो। तो ये जो चीजें है अभी मेन पार्ट हो जाएगा क्रिएटर स्टूडियो का, मतलब ये लोड जो है इसके अंदर जितने भी सारे फीचर डाल के लोड दिया हुआ था वो सारे लोड अभी खत्म करते हुए फेसबुक ने अभी इन पार्टों को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे डिवाइड कर दिया। टूल्स के अंदर तीन पार्ट घुसा दिया है, फाइन मैनेजमेंट के अंदर तीन पार्ट घुसा दिया है, बाकी का जो पब्लिश्ड और प्री पब्लिश्ड वाला पार्ट है यानी कि ड्राफ्ट सेव ये करके जो आप रखते हो प्री पब्लिश्ड पे रख दिया है और पब्लिश्ड वाला कंटेंट को यहाँ छोड़ दिया। तो ये पूरा अभी क्रिएटर स्टूडियो का एक न्यू इंटरफेस लुक है, जो कि हो सकता है आप लोगों के जितने भी पेजेस मोनेटाइज है उनमें बीटा टेस्टिंग में काफी सारे लोगों को मिला हो, इवन मोनेटाइजेशन जिसका है उनका भी सबको ये वाला टूल नहीं अभी मिला है, आने वाले टाइम पे जरूर मिल जाएगा। ये अभी फेसबुक जो है अपडेट सितंबर पे ही बता दिया था मगर ये सारे फीचर तब तक आया नहीं था, अब आ चुका है, इसलिए मैं ये वीडियो आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ताकि आने वाले टाइम पे जब आपको क्रिएटिव टूल वाले हिस्से के अंदर गेम स्ट्रीमिंग के जगह कुछ दूसरा चीज देखने के लिए मिले तो आपको डाउट ना हो, क्योंकि अभी आप लोगों को बताया है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि ये जो गेम स्ट्रीमिंग है ये चेंज होने वाला है। देखिए लाइव डैशबोर्ड विल मूविंग, ये भी मूव हो जाए, तो ये होम टैब के ठीक बाजू में आ जाएगा न्यू स्ट्रीम होम व्यू के नाम। तो ये अभी होम टैब ये है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे कहीं पे दिखने के लिए मिलेगा राइट एंड साइड, जो कि अभी आने वाला। होप गाइस आज के इस वीडियो से आपको पता चल चुका है कि न्यू क्रिएटर स्टूडियो पे क्या क्या चीजें अपडेट होने वाला है या फिर हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को जरूर दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मैं प्रोग्राम कर दोस्तों बाय।